नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंट ईयर आईएएस कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस 2018 के लिए सी सेट, जो मैंने बोला था कल कि टेस्ट है वो लाइव कर देंगे, मतलब ओपन कर देंगे, कोई भी टेस्ट दे सकता है एक टेस्ट, तो वो ओपन कर दिया है हमने। और आप दो दिन के लिए ओपन होगा ये, आप दे सकते हैं, अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि एचसीएस में सी सेट क्वालिफाइंग नहीं है एज ऑन डेट, मतलब इसके मार्क्स काउंट होंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक कि अगर क्वालिफाइंग भी होता है तो भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्वालिफाई नहीं करते, नहीं कर पाते, हालांकि 33% है जैसे यूपीएससी में क्वालिफाइंग। तो इसमें, इस टेस्ट में जब आप देंगे, अगर आप 40% से कम कर रहे हैं स्कोर, इसका मतलब कि हो सकता है आप क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाए जब रियल एग्जाम होगा उसमें। तो ये एक इंडिकेट करेगा, ये आपको एक दशा देगा कि किस दिशा में आपकी तैयारी चल रही है, अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दो दिन के लिए ओपन होगा, ये ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन का मतलब कि 2 घंटे आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप 2 घंटे वाला टेस्ट 5 घंटे में दें, जितना आपको करना है जैसे रियल एग्जाम होता है उसी तरह से रियल एग्जाम की तरह ही ये टेस्ट होगा, लेकिन इसको 2 घंटे में कम्प्लीट करना है। 100 नंबर का टेस्ट 100 क्वेश्चन होंगे और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे रियल एग्जाम में होता है। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनकी एज 32 ईयर्स है जनरल कैटेगरी, 35 ईयर्स है ओबीसी में और 37 है एससी कैटेगरी में, और जिन्होंने एचसीएस का फॉर्म भरा है, तो मैं बता देता हूँ कि एचसीएस और यूपीएससी में अब सिलेबस में कोई फर्क नहीं रहा है, इसलिए आप यूपीएससी का भी एग्जाम जरूर दें, यूपीएससी का एग्जाम भी जरूर दें, वहाँ पर भी एज इट इज सेम सिलेबस है सीसेट का, और जीएस भी, बस सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन होता है ना फ्रेमिंग, उसमें फर्क होता है। यूपीएससी में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एचसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वरना बाकी चीज़ें सेम होती है, बस हरियाणा से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन जुड़ जाते हैं एचसीएस में, जबकि यूपीएससी में नहीं होता ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी एज उस दायरे में यूपीएससी के, वो यूपीएससी का भी जरूर एग्जाम दें, वहाँ पे संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैंने देखा कई स्टूडेंट एचसीएस क्वालिफाई नहीं कर पाते, यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसलिए आप अपने चांसेस को, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें, पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें। जहाँ तक सी सेट का सवाल है, तो ये फ्री टेस्ट है, एक टेस्ट फ्री है, ये हमारा जो टेस्ट सीरीज है 20 टेस्ट जीएस के होते हैं, 20 टेस्ट सी सेट के होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये टेस्ट देना कैसे है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पोर्टल पे जाना है। ये हमारा जो पिनेकल ग्रुप है जिसमें फ्रंट ईयर आईएएस भी है, पिनेकल कोचिंग भी है, एसएससी सीजीएल, वहाँ पे टेस्ट पोर्टल है, ऑनलाइन टेस्ट पैनल है, उस पे जाकर आपको पहले रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कर सकते हैं जैसे आप रजिस्टर करना चाहें, उसके बाद लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह से नजर आएगा पैनल, जब इस तरह का नजर आएगा आप माई टेस्ट में जाइए, लेफ्ट साइड में माई टेस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से मिलेगा HCS फ्री मॉक टेस्ट सी सेट 201, इसका पेपर कोड है 201, क्योंकि 200 से लेकर 220 तक हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसके पेपर कोड है सी सेट सिलेक्ट, और जीएस सिलेक्ट है 301 से लेकर 320। तो ये आपको टेस्ट पे क्लिक करना है, आपको स्टार्ट टेस्ट, जब स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, आप स्टार्ट होने के बाद में 2 घंटे चलेगा। मेरा ये सजेशन आपको कि 2 घंटे से पहले, जब आपको कितना ही आता हो लेकिन मैदान में पूरा रुकिए, पिच पे, जैसे होता है ना क्रिकेट में कि आप पिच पे जरूर खड़ा रहिए, रन अपने आप बनेंगे, तो आप 2 घंटे मैदान में रुकिए, आपका स्कोर है वो अच्छा होगा। 2 घंटे के बाद जब आप सबमिट करेंगे, चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सबमिट है, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि 2 घंटे के बाद सबमिट कीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वास्तव में अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है। 2 घंटे के बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट में क्या क्या आएगा, एनालिसिस आएगा पूरा कि किस क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम लिया है, कौन सा क्वेश्चन है आपका गलत हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस विज अदर्स किस तरह से चल रही है फिलहाल, इस तरह से ग्राफ भी आएंगे। तो कुल मिलाकर आपको टाइमिंग जो मेन फैक्टर है, आपको समझना क्या है कि टाइमिंग, स्कोर कितना ही आए लेकिन आपको ये देखना है किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाया है, तो वो पर क्वेश्चन जो टाइमिंग है, कौन सा गलत हुआ, एक्यूरेसी क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। मेरा ये मानना है कि आपको 3 राउंड में पेपर करना चाहिए, कि पहले जो इजी आपको लगे वो क्वेश्चन करें,
फिर आपको जो मीडियम्स लगे वो सारे करें, और फिर आखिर में टाइम बचता है तो जो मुश्किल है वो करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होता है, भाई से पूरा काउंट भी क्यों ना हो पेपर मेरिट में क्यों ना हो, न कि क्वालिफाइंग हो। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने करने की कोशिश कीजिए, जो करेक्ट है। गलत करने की कोशिश न करें, कहने का मतलब है कि तुक्का मारने की कोशिश न करें, उसी में आपकी भलाई होगा, आप अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 40% से नीचे आ रहा है, इसका मतलब चिंता का विषय आप बोल सकते हैं, क्योंकि उस तरह की सिचुएशन में फिर आगे जो रियल एग्जाम होगा उसमें क्वालिफाइंग करना भी एक मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको तैयारी स्ट्रांगली करने की जरूरत होगी। अगर आपका स्कोर है 70% 80% के रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप वो दावेदार हो कि अगर ये पेपर क्वालिफाइंग न हो और मेरिट में हो, जैसे कि अभी फिलहाल है, इसके नंबर काउंट हो, तो आपकी पोजीशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। मतलब कि आप एक डोमिनेंट पोजीशन में करोगे, और जो वास्तव में जो फैसला होना है सीसेट का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है जी। अगर ये पेपर में नंबर काउंट होते हैं, क्वालिफाइंग नहीं है, तो सीसेट ही एक किस्म से आपका मेन चीज डिसाइड करने वाला है। तो इसलिए इसको गंभीरता से लें और इस टेस्ट को जरूर दें। ये 2 दिन के लिए खुला होगा। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है, दूसरे कोर्सेज है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। HCS है, RS, IES टेस्ट सीरीज है, ये सारे कोर्सेज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां से भी आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं किस तरह कोर्सेज है। और UPSC 2019 के लिए हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो 16th से स्टार्ट हो रहा है। डे वाइज प्रोग्राम है, मैंने डे वाइज शेड्यूल भी आर्टिकल लिखा हुआ है वहाँ पे वेबसाइट पे baljeedaga.com, वहाँ पे डाला, वो भी देख सकते हैं किस तरह से कोर्स है ये रन करेगा। तो हमारा फिलहाल फेस्टिवल पर चल रहा है, 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर रात को 12 बजे तक ये चलेगा। इस दौरान अगर कोई आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, टेस्ट ज्वाइन करते हैं, तो 50% का डिस्काउंट होगा, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेस्ट से आपको अपने आप को कहां पे स्टैंड कर रहे हैं उसको देखने में मदद मिलेगी, और आने वाले टाइम में जब 2-3 महीने के बाद इसका एग्जाम होगा HCS का, तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास एक पर्याप्त टाइम होगा, आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।